फॉर मुनावर, वोट फॉर मुनावर, कॉफी तो दो मिल जाएगी, अकेला ना अकेला, वोट फॉर मुनावर, वोट फॉर मुनावर, वोट फॉर मुनावर, कॉफी तो दो मिल जाएगी, कॉफी तो दो मिल जाएगी, अकेला ना अकेला। प्लेसमेंट करने का मकसद यही है कि बेंगलोर की पब्लिक को थोड़ा अवेयर कर सके, क्योंकि अभी बहुत जल्दी फिनाले वीक आने वाला है, तो वोटिंग्स के लिए लोगों को अवेयर कर सके कि वोट्स कैसा करना है क्या करना है। तो इसलिए हम लोगों ने बेंगलोर में एक छोटा सा बाइक रैली रखे थे इसके रिगार्डिंग। सर, मुनव्वर फारूकी और आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप? ब्रदर्स, हम लोग पहले मैं उनका फ़ैन था, फिर मैं उनका फ्रेंड बना और आज हम लोग ब्रदर्स हैं। तो एक जर्नी है हमारी, आप अगर देखेंगे, जिसे हमारे फैंस को, हमारे लोगों को पता है कि हमने बहुत कम समय में हमने बहुत गहरा टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम साथ में देखा है। तो हमारे जनता को तो मालूम ही है कि हम ब्रदरहुड से। सबसे पहले किस बात की वोटिंग चाहिए सर, वो पहले बताओ। डेफिनेटली बिग बॉस के वोटिंग चाहिए हम लोग को, और एक ही वोटिंग चाहिए बिग बॉस के लिए। और जैसे फाइनल वीक चालू हो जाएगा तो लोगों को अवेयर करना है कि वोट्स कैसे करना है क्या करना है। तो ऑलरेडी मुनव्वर भाई के स्टेटस पे उनके फैंस हर जगह डालेंगे कि वोट्स कैसे करना है क्या करना है। तो बस आप लोग को वही अवेयर करना है कि वोट करना ही करना है दोस्तों सबको। सर, बिग बॉस में दो और कंटेस्टेंट भी हैं जी, तो भाई मुनव्वर फारूकी। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डिज़र्विंग पर्सन है वही जीतना चाहिए, और डेफिनेटली मेरा भाई डिज़र्विंग है। क्योंकि अगर आप खुद उनकी जर्नी उठा के देखोगे ना, तो उनके पूरे बिग बॉस की जर्नी के अंदर उतार चढ़ाव भी आए, जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो बंदा डटा रहा, लगा रहा, और हक है उनके फैंस को भी, वो भी डटे रहे। जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी चली, जितनी भी चीज़ें चले ना, उनका हौसला डगमगाया नहीं। उन लोग जो चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, उनने भाई ने उनको वो चीज़ रिटर्न में दी। अगर आपको उसका सबसे बड़ा एग्जांपल चाहिए, तो आप कल रात का लास्ट एपिसोड देख सकते हो, जिसमें भाई ने सबको रोस्ट किया, और लोगों को जो चीज़ चाहिए थी उनसे भाई ने अपना 100% दिया। क्या लगता है, बेंगलोर की पब्लिक सपोर्ट करेगी? लगता नहीं, भरोसा है, डेफिनेटली भरोसा है। और सिर्फ बेंगलोर की ही नहीं, सारी जितनी भी सिटीज़ हैं इंडिया की, आउट ऑफ इंडिया भी लोग भाई को बहुत सपोर्ट करें, बहुत प्यार करें। बेंगलोर तो मतलब समझो एक बहाना था यहाँ आने का, एक रैली हुई यहाँ पर और मेरे को आने का मौका मिल गया। तो ओवरऑल जब इससे पहले भी भाई के बेंगलोर में शो होते थे, तो बेंगलोर की पब्लिक इसी तरीके से प्यार दिखाती थी। उनको एक था ऐसा कि हम भाई के लिए कुछ करें, तो उन्होंने एक बाइक रैली वो किए, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली बेंगलोर की पब्लिक से आके मिलना चाहिए। तो मैं इधर आया। तो बाइक रैली में जाने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स था। हम लोग ने क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट किए नहीं थे, इसकी कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी हुई नहीं थी। हम लोग का ऐसा था कि हम लोग एक 30-50 एक बाइक रैली निकालेंगे और लोगों को बस गली गली जाके, उनके एरियाज में जाके अवेयर करेंगे कि वोट करना है। पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मनोहर भाई हमेशा कहते हैं कि उनके पीछे दुआओं का काफिला चलता है, तो जैसे हमने हमारी रैली स्टार्ट किए ना, तो रास्ते में लोग जुड़ना चालू किए, और वाकई एक काफिला हमारे पीछे जुड़ चुका था। हर तरफ से हर लोग जो भी देख रहे थे वो प्यार दिखा रहे थे। मैंने रास्ते में बहुत सारे लोगों को नोटिस किया, जब उन लोग देखे कि ये क्या चल रहा है, और जब उनकी नज़र मनोहर भाई के बैनर्स पे पड़ी, पोस्टर्स पे पड़ी ना, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई कि हाँ हाँ यार, ये तो डिजर्विंग पर्सन है। तो वो देख के बहुत खुशी हुई। आप कहाँ से आए? मुंबई से। पर बताइए, बिग बॉस में किसको वोट करेंगे? मुनव्वर फारूकी, ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी, क्योंकि हमारा सपोर्ट बेंगलुरु से फुल सपोर्ट है मुनव्वर भाई को। सारी पब्लिक मुनव्वर फारूकी को ही वोट डालेंगे इंशाल्लाह। वोट फॉर मुनव्वर, वोट फॉर मुनव्वर, वोट फॉर मुनव्वर, ट्रॉफी तो ट्रॉफी तो अकेला ला। तो किसको वोट करेंगे? मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी वो बेस्ट आदमी है। तो आपका वोट मुनव्वर फारूकी? मुनव्वर डेफिनेटली, बेंगलोर से। वोट फॉर मुनव्वर, वोट फॉर मुनव्वर, वोट फॉर मुनव्वर, ट्रॉफी तो ट्रॉफी तो अकेला ला। किसको वोट करेंगे आप? अभी तो कोई कॉम्पिटिशन को तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मुनव्वर भाई है। उनको 80% वोट मिल रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन खट भी नहीं रहा है उधर पे। तो मुनव्वर फारूकी, ऑलवेज मुनव्वर फारूकी। एक ही आदमी है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी सर, वो सबसे अलग है, वेरी यूनिक कंटेस्टेंट है और बहुत टक्कर का आदमी है। दिल से सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी जीतने का है इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट मुनव्वर भाई कि इंशाल्लाह बेंगलुरु को भी लेके आइए ट्रॉफी। वोट फॉर मुनव्वर, वोट फॉर मुनव्वर, ट्रॉफी तो डोगरी आएगी, ट्रॉफी तो डोगरी आएगी, अकेला ला। तो किसको वोट करेंगे हम? डोंट सर, बंदा है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी अच्छा बंदा है और गरीब लोग को बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो जीत गया तो कितने गरीब लोग के पेट पलेंगे, उसके लिए सपोर्ट करे। वो डोंट सर बंदा है, वो सीरियस क्यों सपोर्ट कर रहे? ट्रॉफी डोंगरी आएगी,
इंशाल्लाह। हाय दोस्तों, हम लोग आज बेंगलोर में थे और मेरे साथ में बेंगलोर दोस्त लोग मेरे भाई लोग हैं, तो हम लोग आज बेंगलोर के लिए एक वोट अपील करेंगे, तो वोट फॉर मुनव्वर, वोट फॉर मुनव्वर, और ट्रॉफी तो डोली आएगी।